हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स इन क्रिकेट में। तो मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड बड़े बड़े खबरें आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। और पहली बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। आज की बड़ी खबर, पाकिस्तान सुपर लीग का जो कल का मैच था वो पोस्टपोन कर लिया गया है आज के लिए, और वो आज मैच खेला जाएगा। अगर बात की जाए तो उसका रीज़न क्या रहा तो मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस की वजह से जो ऑस्ट्रेलियन स्पिनर फवाद अहमद है वो पॉजिटिव निकलने की वजह से उस मैच को वहीं पर बंद कर लिया गया, और वो आज उससे आगे आज वो मैच खेला जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है वहीं पर उस मैच को पोस्टपोन कर लिया गया था कोरोना वायरस की वजह से। और दूसरी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही है मुंबई इंडियन के हवाले से। आज की बड़ी खबर, कोरोना वायरस के कारण मुंबई इंडियन के सभी मैचेस मुंबई से बाहर कर दिए गए हैं। सुखद की बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब आईपीएल के वेन्यू में मुंबई नहीं दिखेगा, यानी वानखेड़े जैसे स्टेडियम अब आईपीएल में, आईपीएल 2021 में नहीं, वहाँ पर मैचेस नहीं होंगे, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा केस निकलने की वजह से उस वहाँ पर उस स्टेडियम को वहाँ मतलब जितने भी मुंबई के स्टेडियम हैं उनको आईपीएल वेन्यू से बाहर कर दिया गया है। सुखद की बड़ी खबर निकल के आ रही है, अभी अब 3-4 दिनों में आईपीएल का शेड्यूल भी तय हो जाएगा, उसके बाद पूरी तरह से तय हो जाएगा कि मुंबई के जितने भी मैचेस है वो होम ग्राउंड कहां पर बनाएंगे, अभी तक कुछ तय नहीं किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर करो करें कब निकल के आ रही है, अब जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच आज से टेस्ट मैच शुरू होगा। और बात की जाए तो 11 बजे से ये टेस्ट मैच शुरू होगा। अगर टेलीकास्ट की बात की जाए तो इंडिया में कहीं पर भी टेलीकास्ट नहीं होगा, यूट्यूब पर भी ही टेलीकास्ट ये होगा। अगर बात की जाए बाकी मुल्कों में टेलीकास्ट होगा, और ये जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। आज दोपहर 11 बजे से ये शुरू होगा, यानी 2 मार्च से 11 बजे से ये जो टेस्ट मैच है ये शुरू होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और चौथी बड़ी खबर करो करें निकल के आ रही है जसप्रीत बुमराह के हवाले से। आज की बड़ी खबर, जसप्रीत बुमराह वनडे सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक रिपोर्ट के मुताबिक आखिरी के जो 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे पुणे में जिनमें दर्शकों को अलाउ नहीं किया गया है, वहां पर बुमराह भी वहां पर खेलते हुए नहीं दिखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, उसको जसप्रीत बुमराह को ओडीआई सीरीज में भी रेस्ट दिया जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो मिल सके। थैंक यू।